एज एड ऑफ़ स्ट्रेस रिलेटेड इशूज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको हम लोगों ने देखना है डी ए स्टूडेंट्स के मेडिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम के हवाले से हम किस तरह स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं एन इफेक्टिव मेडिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर दी थीडीज असेंशल टू दक्सेस ऑफ एन एम्प्लॉय एगोनॉमिक प्रोग्राम इन इंडस्ट्रीज़ विद अ हाई इंसिडेंस ऑफ सिटी डीज़ अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ नाट द परपज ऑफ दिज गाइडलाइंस टू डिकटेट मेडिकल प्रैक्टिस फॉर एन इम्प्लायर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्वेश्चन ये है कि जो मेडिकल रिलेटेड इशूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं माइंड रिलेटेड इशूज़ हैं कॉबनेटि रिलेटेड इशूज़ हैं साइकोलॉजिकल रिलेटेड इशूज़ हैं उसको इम्प्लॉय ने उनका ख्याल रखना है और इम्प्लॉय ने में इस किस्म के स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन करने हैं डेवलप करने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेस लेवल है वर्क प्लेस पर उसको कम से कम किया जा सके और बेटर आइडियल सिचुएशन ये है कि उन फैक्टर को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव किया जाए ताकि हंड्रेड परसेंट इम्प्लाई स्ट्रेस फ्री होके अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके अब हमें मालूम है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बग़ैर ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते ट्रेन एजुकेशन में लिटर भी डिफरेंस है एजुकेशन मीन टू नो समिंग अबाउट एवरी थिंग ट्रेनिंग इज कम्पेरेटिवली स्पेसिफिक जिसमें हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरे बंदे में ताकि उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके ये इन दोनों में लिटिल बेड डिफरेंस है द फोर्थ मेजर प्रोग्राम एलिमेंट फॉर दफेक्टिव एल्गोनॉमिक प्रोग्राम इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज टू एनश्योर द इम्प्लाइज आर सफिशेंटली इंफॉर्म्ड अबाउट द एल्गोनॉमिक

इसी को हम लोग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बोलते हैं कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाजार ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है बाद नहीं कर रही होती और बाज नहीं कर रही होती लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इन दोनों चीज़ों को फोरकास्ट करना आर्गनाइजेशन के अंदर जो हेड्स हैं जनरल मैनेजर्स हैं मैनेजर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो लोग भी टॉप ट्री अथॉरिटीज़ में काम कर रहे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उन चीज़ों को अशोर करके रिमूव करें अपेरेंट ट्रेंड इन एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म की इंजरीज हो रही हैं किस किस्म के इवेंट्स अक्सर हो रहे हैं किस किस्म की जॉब स्ट्रेस रिलेटेड इशूज़ पहले से चल रहे हैं ताकि उनको एनालाइज किया जाए कंपेयर किया जाए अवेल्यूट किया जाए फिर उनको कंट्रोल किया जाए इंसिडेंट्स ऑफ सी टीडीज एबसेंटिजम एंड हाई टर्नओवर अगर किसी आर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय छुट्टी पे रहते हैं वट इट मीन दे आर नॉट सेटिस विद द वर्क प्लेस दे आर नॉट सेटिस विद द जॉब दे हैव नो कमिटमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई टर्न ओवर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाई आता है ट्रेनिंग लेता है छोड़ के चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लाई को रिटेन करने की स्ट्रेटजीज ठीक नहीं है रिटेंशन की हाई स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो भी एस्पेक्ट आप के अगेंस्ट चल रहे हैं उनको कैसे हमने रिमूव करना है एम्प्लॉज कंप्लेंट्स एम्प्लाई की हर कंप्लेंट को आप एड्रेस करें इम्प्लाई कंप्लेंट क्यों कर रहा है जब उसका एक्चुअल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा वो कंप्लेन करेगा और अगर आप इंप्लाई की कंप्लेंट को हैंडल नहीं करेंगे वट विल हैपन दैट इंप्लाई विल थिंक टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन टू स्विच द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शी विल बिकम द पार्ट ऑफ एनदर ऑर्गेनाइजेशन फ्टर द फ्यू मंथस इसलिए इंप्लाई की हर कंप्लेंट को एड्रेस करना यह ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लाई जनरेटेड चेंजेस इम्प्लाई जनरेटेड चेंजेस का यहाँ पर दिया स्टूडेंट एक मतलब है कि इंप्लाई जो चेंजेज डिमांड कर रहा है वो चेंजेज़ को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाए चेंज क्या है आल्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में इंप्रूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में बेहतरी है और जब आपका सिस्टम एक बेहतर डिवेल्प हो जाएगा तो आप इम्प्लॉज़ के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करेंगे फिर वो सिस्टम एम्प्लॉज को लीड करेगा और स्टार्ट में आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज उसका बिहेवियर डिवेल्प करते हैं पुअर क्वालिटी क्वालिटी क्या है क्वालिटी इज़ दैट थिंग विच इज़ इन द माइंड ऑफ कस्टमर मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज़ शीशे की बनी हुई है वो नीचे यहाँ से गिरे और टूट जाए तो ये उसका टूटना उसकी क्वालिटी है अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर के टूटती नहीं है माइट पॉसिबल वो प्लास्टिक की बनी हुई है उसमें शीशे का एलिमेंट कम यूज़ हुआ है ग्लास का एलिमेंट तो इसलिए उसकी क्वालिटी ये है कि उसको टूट जाना चाहिए अगर नहीं टूटती तो वो प्लास्टिक की है और हमें मालूम है द प्रोडक्ट्स विच आर कम्पो कम्पोड बाई कम्पोज बाई द प्लास्टिक उनकी प्राइसिस कम होंगी और जो चीज़ शीशे की बनी होगी उसकी कंपेरेटिवली प्राइस ज़्यादा होगी तो इन दो चीज़ों को जानने के लिए लाजम है कि एम्प्लाई के जहन में जो एक्सपेक्टेशन है उसका प्रोडक्ट परफार्मेंस को मैच करना लाजम है पोअर क्वालिटी पोअर क्वालिटी के अंदर अगर मज़ीद देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज नहीं होती कंपेटर के मुकाबले में ग्रेजुअली लो होती है अब इसका मतलब है या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में फॉल्ट है इंप्लाई सही काम नहीं कर रहे कमिटेड नहीं है डेडिकेटेड नहीं है प्रोसेस को अवेल्युएट नहीं किया मोनिटर नहीं किया जहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी उसको स्टॉप नहीं किया ताकि वो उस किस्म की दोबारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना हो और लास्ट मैनुअल मटीरियल हैंडलिंग आपको मालूम है कि व्हेन एवर यू विल इम्पोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ मशीन उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जो हमें गाइड करती है कि हाउ यू शुड ऑपरेट दैट मशीनरी हाउ यू शुड यूज़ दैट मशीनरी उसके एस ओ पीज़ क्या हैं अगर आप उन तमाम एस ओ पीज़ को फॉलो करके मैनुअल को फॉलो करके उस मटेरियल को मशीन machine को मशीनरी को प्लांट को यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर होंगे और बेहतर होंगे और इन तमाम इंडिकेटर्स की मदद से हम काफ़ी हद हाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं जॉब स्ट्रेस रिलेटेड्स उनको कम कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं